नमस्कार जी, मैं मंजू। अभी छत पे मैं पानी देने का काम मैंने पूरा किया है, तो सोचा कि ये वीडियो भी आपसे शेयर कर लूँ। तो मैंने एक्रोक्लाइनम और जहाँ एक्रोक्लिनियम कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको ग्रो करना सिखाए थे। और ये हेलीक्राइसम भी आपको ये कई रंगों के ग्रो करना मैंने सिखाए थे, कई रंगों के ये पाए जाते हैं। तो ये जो एक्रोक्लिनियम, इनके और हेलीक्राइसम के नाम बहुत सारे मिलते जुलते हैं। फूलों की पहचान तो थोड़ी अलग अलग होती है। इन्हें एक्रोक्लिनियम को पेपर फ्लावर भी कहते हैं और ये हेलीक्राइसम को भी पेपर फ्लावर कहते हैं। ये ऐसे हाथ लगाओ तो पेपर की तरह, ये आवाज़ सुन रहे हैं और वही साउंड ऐसे इसमें एक्रोक्लिनियम में, मतलब सॉफ्ट नहीं होती, ये थोड़ी हार्ड जैसी ऐसे पेपर जैसी लगती हैं, तो इसलिए पेपर फ्लावर कहा जाता है। और भी इनके कॉमन नाम हैं, दोनों के एक जैसे नाम हैं। तो जो मेरे भाई बहन ये कंफ्यूज होते होंगे कि ये अलग अलग प्लांट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी एक जैसे प्लांट हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसके जो फूल आते हैं, इन जो मैंने वीडियो बताया हुआ है आपको कि नीचे से इसके, अब तो ये सूख गए हैं, सीड फॉर्मेशन में आ गए हैं, ये ऐसे पतली पतली पत्ती हैं, नीचे से ही क्लंप में ये ब्रांचेस निकलती हैं और ये टिप पे फ्लावर लगता है। और जो हेलीक्राइसम, इसका ये गुच्छा, ये ऐसे पूरा जैसे प्लांट बनते हैं दूसरे, ये देख रहे हैं। तो ये मैं कल पानी देना भूल गई इसको, पूरी इमरजेंसी हालत में हो गया, तो अभी पानी तो दिया है, तो देखो चलता है कि नहीं। और भी इसके खूबसूरत फूल ये हेलीक्राइसम के, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं इनके, कई तरह के फूल होते हैं ये कई रंगों में। तो अब सीड कैसे इनका चुनना है, तो ये एक्रोक्लिनियम का मैंने ये फूल बिल्कुल पिंक कलर के, बहुत ही खूबसूरत फूल, अब तो इनका रंग चला गया, जैसे ख़राब जैसे हो गए हैं इनका पिंक कलर। मैंने ये कम्युनिटी में भी इसकी पिक डाली थी और उसमें वीडियो में भी, कई सारे वीडियोज़ में इनके खूबसूरत फ्लावर मैंने दिखाए हैं। तो अब ऐसे हो गए हैं ये, पर फिर भी लग रहे हैं। तो अब जो ये फूल सूख गए हैं, ये ऐसी हालत हो गई है, तो यहाँ पे इनका सीड होता है, तो अगर हमने चुना नहीं तो फिर ये हमारे अपने आप ही ये उड़ सकते हैं, ये हल्के सीड होते हैं। तो हम देखते हैं कईयों में सीड बने होते हैं और कईयों में सीड नहीं भी बने होते हैं, और हेलीक्राइसम के साथ भी ऐसा ही होता है, कईयों में सीड बने होते हैं और कईयों में नहीं। तो पहले ये हम चुनते हैं एक फूल, ये ऐसे तोड़ देते हैं, नहीं तो ये फिर हमारा उड़ जाएगा। तो मैंने जो फूल आपके सामने तोड़ा है, मैं ले आई हूँ ये सेंटर वाले हिस्से में, इसमें खूब सारे सीड होते हैं, तो देखो बने हुए होते हैं कि नहीं, अगर बने होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और कई बारी जो है पोलिनेशन की कमी के कारण हमारे सीड तैयार होते भी नहीं हैं। तो ये सेंटर वाले हिस्से में देखती हूँ इसमें सीड हैं, और ये बाहर के जो पेटल्स हैं ना, ये कोई काम की नहीं है, ये साथ में आप रख सकते हैं अगर आपको चुनना वो लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो ये धीरे से आराम से, ताकि हमारे सीड जो हैं टूटे नहीं। तो ये इसमें डाल देती हूँ, पेटल्स भी आ गई हैं खूब सारी, सीड भी उसमें बन गए हैं हमारे और गिर गए हैं इसमें, ये फिर पेटल्स के साथ आपको अच्छे से दिखेंगे नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप क्लियरली इन्हें देख लो। तो ये खूब सारे सीड हमारे तैयार हो गए हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे हैं। ये हमने चुन लिए हैं और ये हमारे सीड जो हैं ये हैं, ये पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, ये इसमें मैं ये दिखाती हूँ, ये हैं पर ये छोटे छोटे, एक फूल और तोड़ के लाती हूँ मैं, जहाँ इसमें से देखती हूँ मग में से क्लियरली, ये दिख नहीं पा रहे हैं, ये दिखते तो हैं, हाँ इसमें नहीं, इसमें कोई ज़्यादा अच्छी सीड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मैं एक फूल और तोड़ के लाती हूँ और फिर मैं उसमें देखती हूँ कि है कि नहीं। तो एक फूल मैं ये और तोड़ के लाई हूँ, देखते इसमें है कि नहीं, अगर हो सकता मेरे ना भी बने हो तो आप यहीं पे चुनना, इसके नीचे ही होते हैं, क्योंकि ये कभी बने होते हैं कभी नहीं भी बने होते हैं, गर्मी में जो पोलिनेटर की कमी हो जाती है और फिर वो हमारे कई बार सीड्स जो हैं नहीं बनते हैं। तो इसमें बने हुए हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देख रहे हैं ये सीड हैं, ये नीचे ये हमारे सीड लगे हैं,
और ऊपर ये ऐसे उड़ जाएंगे ये नीतू, ये इस तरह के सीड होते हैं ये ऐसे, पर इसको ड्राई होने देना आपने। ये देखा ये नीचे ये सीड लगे हैं बिल्कुल जैसे एस्टर के होते हैं ना, उसी तरह से एस्टर के जैसे ही ये इसी हिस्से में यही ये येलो वाला जो हिस्सा है ना यही सब नीचे सब सीड होते हैं। पर ये अभी मेरे कच्चा है क्योंकि अभी मेरे पके नहीं हैं ये अच्छे से, ये निकल नहीं रहा, नहीं तो ये अपने आप ही भूर जाता है, सीड तैयार होते हैं। तो ये ढेरों सीड इसमें तैयार होते हैं, ये इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, ये ऐसे तैयार होते हैं ये यहाँ पे, ये पूरे ढेरों ये लगे होते हैं। तो ये मेरा कच्चा है तो इस तरह से चुनने, ये बीच बीच में ये देखिए ये सीड ये वाला सीड ये देखा बीच में नीचे लगे हैं और नीचे में ऐसे, तो ये अच्छे से दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं, ये इसी चीज़ में होते हैं। और अब हम हेलिक्राइसम के देखते हैं। तो अभी मेरे ये फूल अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे सीड होते हैं इनके। तो अब ये जो मेरे हेलिक्राइसम के ये भी एक फूल जो ऐसे ये ऐसे ड्राई हो रहा है और बाकी जो अभी नहीं हो रहे हैं। तो अगर फूल ड्राई नहीं होते हैं तो सीड उनमें भी नहीं दिखते और कई बार बनते भी नहीं हैं, जैसे अभी मैंने वो निकाल के देखा तो अच्छी तरह से वो सीड नहीं बने हैं और निकले नहीं हैं। तो इसमें भी देखते हैं है कि नहीं, वैसे मैंने इस पर पहले भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं अगर चुनना चाहते हैं। तो इसके सीड भी जैसे एक्रोक्लाइनम की तरह ये येलो वाला जो पार्ट होता है ना इसके नीचे होते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, ये देख भी सकते हैं, पता नहीं इसमें होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि कई बार होते हैं और कई बार नहीं भी निकलते हैं पोलिनेटर की कमी के कारण। तो अब देखते हैं, कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि सीड कहाँ होते हैं। इसमें ये देखिए मेरे को कोई सीड नहीं दिख रहा, ये देखिए बना ही नहीं है इस पर, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, ये बिल्कुल खाली है। साइड पे देखते हैं, कई बार थोड़े थोड़े भी बने होते हैं, ज़्यादा नहीं बने होते हैं, कोई कोई बना होता है, वैसे तो ढेरों सीड होते हैं। तो ये देखिए इस पे भी सीड नहीं है, कोई भी सीड नहीं है। तो मैं कोई अद्धा एक अद्धा फूल और कोई लाती हूँ। हाँ ये एक्रोक्लाइनम के मैंने साइड में देखा है, ये एक ये सीड ऐसे इस तरह से होते हैं, ये देखा ये ऐसे होते हैं हेल्दी सीड। तो मैं अभी जानबूझ के फूल लगे हैं तो मैं बनाना सीड चाहती हूँ तो मैंने तोड़ नहीं रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस तरह से ये है, तो थोड़ा सा मैंने उसको भोरा सीड को ना फूल को सॉरी, और ऐसे ये सीड होते हैं इसके, ये दिखते हैं। और अब मैं एक फूल और ये लाई हूँ हेलिक्राइसम का, अब देखो किस्मत है होंगे कि नहीं होंगे, इन्हीं में ही होते हैं। तो ये भी सूखा फूल है हमारा, अगर बने होंगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर वो वीडियो देख लेना आप मेरा, कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि सीड कैसे चुने जाते हैं यहाँ से। तो इस पे भी कोई सीड नहीं बना है हमारा, ये देखिए बिल्कुल खाली है, ये कुछ भी नहीं बना इस पे, और ये यहीं पे होते हैं ढेरों सीड होते हैं, कुछ भी नहीं है, ये सीड हमारे जो है पोलिनेशन की कमी के कारण बने ही नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे एक्रोक्लाइनम का फूल अभी थोड़ा सा ये गीला है, तो मैंने यहाँ से ये साइड से निकाला है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सूख जाए, कोई अद्धे सीड मुझे मिल जाए, और देखो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पोलिनेटर की कमी के कारण कई बार हमारे जो सीड्स हैं तैयार नहीं भी होते हैं, तो ये भी कारण होता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और कि हमारे हर फूल पे जो है सीड नहीं होते हैं, और इस टाइम जो मुझे क्लियरली अच्छे से नहीं दिखे हैं पर मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो ये मेरे फूल देखिए कितने सारे बेनिडियम पे ढेरों फूल, लंबे टाइम से पता नहीं कब से ये आ ही जा रहे हैं, हर रोज़ ढेरों फूल खिलते हैं इन पे। नमस्ते जी, शुक्रिया।